हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बुक हाईवे एजुकेटर पर। हम पढ़ रहे प्रॉफिट एंड लॉस, एंड प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिया था। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2004 से लेकर 2019 तक प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, वो मैं आप लोगों के लिए कलेक्ट करके लेकर आया हूं। ठीक है बच्चों, तो बड़े ध्यान से वीडियो को देखिए, बड़ा ही मज़ा आने वाला है। तरह तरह के क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के आए हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों 2016 में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है। कथक कोई वस्तु 390 रुपये में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। बच्चों कितने का लाभ होता है? 20% का लाभ होता है। 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5। 5 का आर्टिकल कितने में सेल कर रहे हो? 6 में सेल कर रहे हो, यानी सेल कितने में कर रहे हो? 390 में कर रहे हो बच्चों। यानी 6 यूनिट की वैल्यू अगर 390 है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 6 × 36 और 6 × 5 = 30, 65 यूनिट होगी। और 65 को 5 से गुणा कर दोगे बच्चों तो 5 × 5 = 25, 2 × 6 = 30 और 2 = 32। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 325 हो जाएगा उसका लागत मूल्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। कहता है एक टेप रिकॉर्ड को 1004 रुपये में बेचते हैं तो 4% का लाभ होता है। ठीक है बच्चों, 4% का लाभ होता है। ठीक है, तो 4% का मतलब होता है 1/25। आप ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा, 4% लाभ का मतलब बच्चों 100 से 4 ज़्यादा, यानी 104% में हमने सेल किया। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमने देखा कि 1140 है आपके पास, कितना है? 1040 है। तो 104% की वैल्यू अगर 1040 है, यानी इसका सीधा 10 गुना है, यानी 1% का मान कितना होगा बच्चों? 10 हो गया। 1% का मान कितना होगा बच्चों? 10 हो गया। तो आपसे पूछा है कि 100% का मान कितना होगा? 100% का मान कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। फिर आगे बोला है यदि वह इसे 950 रुपये में बेचता, यानी 1000 की वस्तु को 950 में सेल करेगा तो लॉस कितने का हो जाएगा? 50 का लॉस हो जाएगा। 50 का लॉस किस पे है? 1000 पे लॉस है। गुणा में 100% निकालने के लिए कितना आ गया? 5% का लॉस हो जाएगा। कितने का लॉस हो रहा है बच्चों? 5% का लॉस हो रहा है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2016 का क्वेश्चन है ये। जब हमने 1040 में बेच रहे थे तो 4% का प्रॉफिट हो रहा था। 4% का मतलब 104% पे बेच रहे थे। 104% का वैल्यू अगर 1040 है, मतलब 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 100% का 1000 हो जाएगा, यानी सीपी सा कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी आपके 2016 में ही पूछे गया है, किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेच देते हैं। 15% का मतलब होता है बच्चों 3/20, यानी 20 के आर्टिकल को आप 3 पे बेच रहे हो, यानी 17 पे बेच रहे हो। तो आपसे पूछा है कि सीपी और एसपी का रेशो बताना है। तो सीपी 20 है और एसपी कितना है? 17 है बच्चों। यानी कितना आ गया आंसर? 20:17 इसका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। सीपी और एसपी का रेशो जो है बच्चों 4:5 है, यानी 4 के आर्टिकल 5 में सेल करोगे, 1 का प्रॉफिट होगा। तो बच्चों 1 का प्रॉफिट किस पे है? 4 पे है। तो 1/4 का मतलब क्या होता है बच्चों? 25% होता है। 1/4 की वैल्यू 25% होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है, सब 2016 के ही क्वेश्चन है और सीजीएल के ही हैं। कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11, अलग शिफ्ट का है ये। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन है, सीपी और एसपी का जो रेशो है बच्चों 10:11 है। 10:11 का मतलब हो गया बच्चों 1 का प्रॉफिट हो रहा है किस पे? 10 पे। और 1/10 का मतलब क्या होता है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, चलिए सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट्स करते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि किसी वस्तु को 240 रुपये में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। बच्चों 240 रुपये में बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। 20% 1/5, यानी 5 की चीज़ 6 में बेचते हो, और 6 यूनिट की वैल्यू अगर 240 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 40 होगी, यानी 40×5 = 200। उसका सीपी कितना हो गया बच्चों? 200 हो गया। तो कहता कि उस वस्तु का सीपी ही निकालना है, और उस आर्टिकल का सीपी कितना है बच्चों? 200 रुपया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता 25 पेन
पेन का लागत मूल्य 20 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 पेंस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस, सेलिंग प्राइस ऑफ 20 पेंस। अब आप क्या करोगे, सीपी अपॉन एसपी कर लोगे बच्चों, तो 20 बटा क्या हो गया 25, यानी 20 के आर्टिकल को आप 25 में सेल करोगे, 5 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है बच्चों, 5 का प्रॉफिट हो गया किस पे, सीपी पे, 20 पे। तो कितना आ गया आंसर आपका, 25% आपका राइट आंसर है। आपका राइट आंसर जो है बच्चों कितना है, 25% आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है सेम इसी पैटर्न पे है, 20 पुस्तकों का लागत मूल्य 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब यहाँ पे है सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। देखो कैसे, सीपी अपॉन एसपी करोगे तो 25/20 हो गया, यानी देखोगे बच्चों 25 रुपए के आर्टिकल को अगर आप 20 रुपए में सेल करते हो, 25 रुपए के आर्टिकल को अगर आप 20 रुपए में सेल करते हो तो 5 का लॉस हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो 5 का लॉस हो रहा किस पे, 25 पे, सीपी पे ही प्रॉफिट और लॉस होता है। तो यानी कितना हो गया, 25/20% का लॉस हो गया, 20% का क्या हुआ बच्चों, लॉस हो गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये CHSL 2017 का है, कहता है एक विक्रेता 8 रुपया में 15 चीकू खरीदता है। ठीक है ना, 8 रुपया में 15 चीकू खरीदता है, 8 रुपया में वो 15 चीकू खरीदता है, 8 रुपया में वो 15 चीकू खरीदता है और सेल्स एट 10 for ₹6 और 6 रुपया में 10 बेच देता है, और वो 6 रुपया में 10 चीकू बेच देता है। 8 रुपया में 15 चीकू खरीदता है और 6 रुपया में 10 चीकू बेच देता है बच्चों। तो अब आप देखोगे आपसे पूछा क्या गया है कि इसका परिणाम क्या है, ऑप्शन में प्रॉफिट भी गिवन है और लॉस भी गिवन है। तो अब आप देखोगे 8 रुपया में 15 चीकू खरीदता है और 6 रुपया में 10 चीकू बेच दिया, आप क्या करोगे, इन दोनों को ना इक्वल कर लो, यानी जितना परचेज कर रहा है उतना ही सेल करता है, मतलब 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है बच्चों, 30। अगर वो 30 चीकू खरीदता, अगर वो 30 चीकू खरीदता तब सीपी होता बच्चों, देखो डबल खरीद रहा है तो डबल सीपी हो जाता 16 रुपये का, 30 चीकू खरीदेगा वो 16 रुपये में, और 10 चीकू अगर 6 रुपये में बेचता है बच्चों तो 30 चीकू यानी 3×6 = 18 रुपये में बेचेगा, है ना। अगर 30 चीकू उसको बेचना है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चों, 18 रुपये का होगा, यानी 16 के परचेज करके अगर 18 में बेचता है बच्चों, 2 का प्रॉफिट हो गया, 2 का प्रॉफिट किस पे हुआ, 16 पे हुआ, कितना हो गया बच्चों 1/8, और 1/8 होता है 12.5%, 1/8 होता है बच्चों 12.5%, 12.5%। ठीक है बच्चों, दूसरा तरीका इसका करने का क्या है वो देखोगे, दूसरा तरीका करने का आप पहले ऐसे लिखो इसको, दूसरा तरीका 15/6 = 90, फिर ये 10/6 = 60, पहले ना रुपया लिखोगे बाद में आर्टिकल लिखोगे, तो सबसे पहले यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे, उसके बाद इधर से मल्टीप्लाई करोगे, 10/8 = 80, 10/8 = 80, और जो ये आप यहाँ लिख रहे हो ना वही नंबर आप नीचे भी लिखोगे और मल्टीप्लाई 100 कर दोगे, जो आप यहाँ पे लिख रहे हो वही नीचे लिखोगे, अभी हो गया 10/80 × 100, 1/8 12.5% हो गया, 12.5%। तो एक तो तरीका इसका ये है और दूसरा इसका जल्दी करने का तरीका ये है, बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई किस तरीके से करें। अगर इस तरीके से करने में अगर ऑप्शन अगर नेगेटिव आता है तो समझ लो कि वो लॉस हो रहा है, अगर नेगेटिव आता है यहाँ पे तो समझो कि वो लॉस में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बच्चों यदि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 32 आर्टिकल। ठीक है, तो बच्चों सीपी अपॉन एसपी अगर आप करते हो तो 32/48, यानी 32 के आर्टिकल को 48 में बेचोगे, 16 का प्रॉफिट हो गया, अब 16 का प्रॉफिट हो गया बच्चों 32 पे, यानी 50% का सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया आपका, प्रॉफिट जो होगा वो 50% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु 78 रुपये में बेची जाती है तो उसका लाभ
उस वस्तु को 69 रुपया में बेचने पर होने वाले लाभ से दुगना है। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹78 देन द प्रॉफिट अर्न इज ट्वाइस द प्रॉफिट गेन वाइल सेलिंग इट फॉर 69। अब देखोगे जब 78 में बेच रहे थे तो भी लाभ हो रहा था और 69 में बेच रहे थे तब भी लाभ हो रहा था, लेकिन 78 में बेच रहे हैं ना तो 69 में होने वाले लाभ से डबल हो रहा है, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों, 9 है। अगर मैं 9 रुपये अधिक में बेचता हूँ तो मुझे डबल प्रॉफिट हो रहा है पहले से, यानी अब 9 का डबल कितना होता है 18। बात समझ रहे चीज़ को, यानी 9 का डबल अगर 18 हो रहा है यानी अब ये 9 रुपया और कम में इसका सीपी होगा, 9 इसका कम सीपी होगा तभी तो 60 की चीज़ 59 में बेचोगे तो 9 का प्रॉफिट होगा और 60 की वस्तु 78 में बेचोगे तो 18 का लाभ होगा, यानी 9 के डबल कितना हो गया 18 हो गया। बात को समझ रहे हो इस चीज़ को, तो या तो 69 से 9 घटा लो या 78 से 18 घटा लो, ठीक है। आंसर कितना आ गया इसका आंसर सीपी, यानी लाभ जो है वो डबल, 9 का डबल कितना हो गया 18 हो गया, यानी 9 इससे और कम सीपी होगा तभी तो 9 रुपये का पहले लाभ होगा फिर बाद में 18 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर 60 होगा। चलो एक और क्वेश्चन क्या कहते हैं, किसी वस्तु को 524 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 552 रुपये में बेचने से हानि होती है, यानी 524 रुपये में बेचते हैं तो मुझे प्रॉफिट होता है, यानी सीपी जो होगा वो 524 से कम होगा, लेकिन जब मैं 452 में बेचता हूँ तो मुझे लॉस होता है, यानी सीपी 452 से अधिक होगा, यानी सीपी आपका 524 से कम और 452 से अधिक होगा। अब कहता है कि दोनों बराबर, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस है, यानी सीपी इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, सीपी इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, मतलब दोनों का जितना लाभ हो रहा है उतनी ही हानि हो रही है, 1:1 के रेशो में है। तो इस केस में आप क्या करोगे, दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दोगे, यानी 524 प्लस 452 बटा 2 जोड़ोगे बच्चों, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 5 4 9 बटा 2 कितना आ गया, 4 2 8, 8 2 9 16, 8 2 9 16 कितना आ गया 488 रुपये का आ गया इसका सीपी आ गया, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, एक घड़ी को 340 की बजाय 350 में बेचते हैं तो 5% का लाभ होता है, यानी 340 की जगह पे 350 में बेच दे, यानी 10 रुपया रेट बढ़ा दे, अगर मैं 10 रुपया रेट बढ़ा दूं तो मुझे 5% अतिरिक्त लाभ हो रहा है, जैसे ही मैंने 10 रुपया बढ़ा दिया मुझे 5% का अधिक लाभ हो रहा है, यानी 5% की वैल्यू अगर 10 है तो 1% की वैल्यू कितनी बच्चों 2 रुपया, तो अगर 1% की वैल्यू अगर 2 रुपया है बच्चों तो सीपी कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 200 रुपये होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 200 रुपये उसका सीपी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि लागत मूल्य में 1% की हानि के बराबर है। अब देखो 20% का लॉस हो रहा है लेकिन सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था इसको, ठीक है। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी जब मैं 5 रुपये में सेल करता हूँ, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो सेलिंग प्राइस के ऊपर है, तो अगर मैं 5 रुपये में किसी को सेल करता हूँ और 1 का लॉस होता है, मतलब सीपी पक्का 6 का होगा। अगर किसी आर्टिकल को मैं 5 रुपये में सेल करता हूँ तो मुझे 1 रुपये का लॉस होता है, मतलब सीपी कितना है उसका 6 रुपये का है, तो लॉस परसेंट जो होता है वो हमेशा सीपी पे निकलता है, 1 का लॉस हो गया, यानी 1/6 का मतलब होता है 16/2/3%, 16/2/3% का एक्चुअल लॉस है इसका, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर है जो कन्फेस तो करता है, क्लेम करता है वो कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही आर्टिकल को सेल करता हूँ, लेकिन 100 ग्राम के बदले में 80 ग्राम का वेट का यूज करता है। अब देखो कि बच्चों अगर 100 ग्राम की जगह पे वो 80 ग्राम यूज करता है, यानी 20% के प्रॉफिट हो रहा है उसको, 20 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है। अगर वो 100 ग्राम के बदले में 80 ग्राम यूज कर रहा है, यानी 20 ग्राम का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। अब 20 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों कब, जब वो 80 ग्राम का यूज करता है, तो 20 ग्राम का आपको प्रॉफिट हो रहा है कि अब जब वो 80 ग्राम का यूज़ करता है और इंटो में 100 कर लोगे
तो ये कट के आ गया 4 और ये आ गया 25, यानी राइट आंसर कितना होगा इसका, 25% इसका राइट आंसर है। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हम सेकंड पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए इतना आप कवर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।